हाय फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस मेरे चैनल में JNP स्पेशल में। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल के लिए। तो मैं इस पार्ट का मीन्स 15 से जो विज्ञान का पार्ट है, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है ये, उसका इसके बाद का पार्ट आए या दो भी पार्ट आए, जो भी पार्ट आएगा जितने में कंप्लीट होगा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो लगभग हम लोग जो पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में विज्ञान का, जो जनरल साइंस था, सामान्य विज्ञान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने बहुत ही मेहनत करके उसको निकाला है। अगर आपको इससे कुछ प्राप्त होता है, अगर कुछ जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट वन में, कि लास्ट पढ़ा था मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो गैसों का दाब नापते हैं, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, पाइरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B6 का है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, गैस का दाब। नेक्स्ट है, 4 अर्धायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा, तो 1/16 भाग, ठीक है। मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, आपका भी टाइम नुकसान ना हो, और बहुत तेज़ चलते हैं, ठीक है भाई। शुष्क छिपाक जेरोक्थाल्मिया का कारण है विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है, उत्तर है सोडियम सिलिकेट को। नेक्स्ट है, चुंबकीय दृश्य से ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अनचुंबकीय है, पैरा मैग्नेटिक है, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे क्या बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा, तो जाएगा ये Z+1। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी, तो किसी खींची प्रोटॉन की थी। रक्त का थक्का किस रोग से नहीं जमता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित रहता है कहाँ, केंद्रक में। नेक्स्ट है, अनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 MU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 931 MeV। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, यह है ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, कैसा दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण, ठीक है। जो साबुन का बुलबुला है, प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, तो व्यतिकरण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, गतिमान आवेश। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है, तो तारे के ताप का। नेक्स्ट है, भारी जल हैवी वाटर होता है, क्या होता है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O। नेक्स्ट है, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है, यह है चांदी का अयस्क। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान होता है 6.6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ दोस्तों आपके लिए, देखते जाइए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ओके। और अगर ये पूरा 1500 का सीरीज आपने पूरा कर लिया, तो मैं मानता हूँ कि लगभग वन डे एग्ज़ाम में आप 80 से 90% सॉल्व कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है, तो उत्तर है पत्ती आकृति में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है, आंसर है स्टेपीडियस। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, टिश्यू इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यह है त्वरण का, एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट है, आयोडीन टिंक्चर क्या है, आयोडीन का अल्कोहली विलयन। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं, तो आयन मंडल। नेक्स्ट है,
हाँ तो दोस्तों, हम लोग कहाँ पर थे। दूध का पीएच मान होता है 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है, ये हो गया था क्वेश्चन आपका। मानव शरीर सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम हो गया, सिलेशन हो गया था, आयरन को हैन हो गया था। और इस क्वेश्चन, टमाटर का रंग रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस मंडल से प्रभावित होती हैं, तो आयन मंडल से। नेक्स्ट है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो ये है क्रोमोप्लास्टर के कारण। पारिस्थितिकी संबंधित है जीव पर्यावरण के सहसंबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई, तो जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब आरंभ किया गया, तो सन 1942 में। राइट आई राइट क्या है, विकलांगों का कंप्यूटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इन धनुष किसका उदाहरण है, तो ये है अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है क्या, एंथोसाइनिन। सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है, रसदार थैलमस। मानव शरीर में एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है, तो 72 मतलब 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कैटलिस्ट। फारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान क्वथनांक कितना है, कितना है, तो उत्तर है 212 फारेनहाइट। नेक्स्ट है, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये की थी एफ जी बैंटिंग। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है, तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है, बोकारो स्टील प्लांट, नाम सुना होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था, वेरी सिंपल, 28 फरवरी को। नेक्स्ट, राइबो फ्लाविन है क्या है, विटामिन B2 है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है, तो यह है फार्मिक अम्ल के कारण। मधुमक्खी में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। संवेग कैसी राशि है, सदिश है अदिश, तो सदिश है। हेमेटाइट किसका अस्क है, आयरन का। सूर्य में, नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 अंश सेंटीग्रेड पर होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये 1930 में मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसने बनाए जाते हैं, तो ये है सिलिकॉन के। किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, इंटीग्रेट मतलब IC। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है, फीमर है। ब्लू विट्राल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कॉपर सल्फेट को। पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो तना से। नेक्स्ट है, होलोग्राफी किसकी तकनीकी है, वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की, होलोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो FG वेंटिंग ने की थी। हड्डियों फास्फेट किस रूप में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो इसका आंसर है गैस का दाब। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से, ठीक है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, नेक्स्ट उत्तर है इसका RA मिल्कन ने। नेक्स्ट, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं, जर्मन सिल्वर में तो होता है तांबा, निकिल और जिंक। चुंबक झुकाव डीप की समान स्थिति दर्शाने वाले रेखा क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है आइसोक्लिनिक रेखा। पक्षियों की पूछ उनके किस काम आती है, तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पूंछ। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, ये माइटोकांड्रिया कहते हैं। घर में बिजली सप्लाई के लिए तीन तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ।
इसी क्रम में तारों का रंग होता है लाल, काला और हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर किस प्रतीत क्यों होता है? ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर क्यों प्रतीत होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण, ठीक है, वो स्थिर दिखाई देता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम से। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी का। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो हानि होती है। नोबल गैसें किन अन्य परमाणुओं से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? तो क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पृष्ठ तनाव कम हो जाता है साबुन घोलने पर, ठीक है। नेक्स्ट, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर है स्टासियम की उपस्थिति कारण। नेक्स्ट, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह है एथिलीन। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन किया जाता है? उत्तर है पामोलॉजी। फलों का अध्ययन पामोलॉजी में। नेक्स्ट, रक्तकोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। नेक्स्ट, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यही सिद्ध करती है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं कितना? 9.46 × 10^12 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम है क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम विज्ञान किस शाखा संबंधित है? तो वह भौतिक विज्ञान से। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह ध्वनि तथा प्रकाश से है, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, मेंडल का नियम संबंधित है अनुवंशिकता से। मेंडल एक वैज्ञानिक, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को वाला यंत्र क्या है? डायनेमो। नेक्स्ट, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं ब्राउनियन मोमेंट। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव, फोटोसोनिक्स से पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। नेक्स्ट है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधों के बढ़ने की दर। क्रेस्कोग्राफ से पौधों के बढ़ने की दर। नेक्स्ट है, प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो एमिनो अम्लों से। विटामिन सी अम्ली है या क्षारीय? तो ये क्या है? अम्ली है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? क्षणिक आवेश नापते हैं। नेक्स्ट है, संट का स्थायी रूप में उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो ये अमीटर में। नेक्स्ट है, रक्त कोष को रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसका उत्तर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो नेक्स्ट, इसका आंसर है ब्लू विट्राल के नाम से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर संबंधी शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? कोबोल का अर्थ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, गैस विसरण का नियम ला ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसे प्रतिपादित किया है? मतलब किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर है ग्राम ने, ठीक है। खाने के सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है, 1 ms × √2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो यह है धारा के अधिकतम मान I के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गैल्विन बनाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन। भारती मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट है, शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया। रक्ताल्पता को एनीमिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन था। नेक्स्ट है, 98.6 तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो 37 °C। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है क्या है? सेल्युलोज। नेक्स्ट है, विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम
चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है एक फैराडे। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था? प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है? किसने किया था? हर्षे व चेज ने। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक अम्ल। हमें टाइट खनिज से कौन सा धातु प्राप्त होती है? तो लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वोत्तम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूफ्री डेवी। नेक्स्ट, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक है, नेक्स्ट है केवरा टोमलेसिया या जीरोफिलेक्थेलमिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। टमाटर के फलों का रंग जानते ही हैं, लाइकोपिन कार्ड होता है। टमाटर के फलों का रंग लाल। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो इसका आंसर है हेलोजन परिवार के। नेक्स्ट है बिजली चमकने का कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें प्रवृत्त हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। नेक्स्ट है संकट अवस्था में प्रतिकूल परिस्थिति में निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रावण तैयार होता है? तो यह है एड्रिनल। नेक्स्ट है मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं क्या होता है? मैक्सिला और मैंडिबल। नेक्स्ट है परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं? तो यह है हीलियम और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है जेल जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? तो यह शक्ति का मात्रक है। फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य संबंधित है? तो यह दिशा से है। फोबोस एक डायोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो यह है मंगल ग्रह के, फोबोस एवं डायोस। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो होता है आसवन विधि से। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। नेक्स्ट है बैक्टीरियो फेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। रेडियो एक्टिवता में बीटा कीड़े होती हैं ऋणावंशित। नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? जानते हैं 24 कैरेट का। नेक्स्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? नियम किसका है? ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? एमिलेस। नेक्स्ट है परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान कारण ऊर्जा भी होती है यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो यह है नेप्थेनेट पामिटेट। नेक्स्ट है हवाई जहाज को बनाने में कौन सी फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो यह कार्बन फाइबर। नेक्स्ट है जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम। नेक्स्ट है वायु ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आद्रता बढ़ जाने पर। नेक्स्ट है आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो जिसमें जीवाणु मर जाते हैं, लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? आइसोजाइम। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गति ऊर्जा चार गुनी जाती है। किसी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण की। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उच्छेप बल का क्या होता है? तो क्या होता है? नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक उष्मा किस विधि से संचालित होता है? तो ये विकिरण से। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव होता? कम हो जाता। दिन की लंबाई कम रहती है। इसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा रहता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। ठीक है, इसमें पाया जाता है दूध में। अभ्रक माइका उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है कुचालक और कुचालक।
जल दो हल्के नाभिक मिलकर भारी जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तारे के ताप से। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वाह कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। किस गैस के सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वो क्या है? यूरेनॉल। नेक्स्ट है, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है, आइकोनोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? ये होता है 225,000 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पार्सेक होता है 3.09 × 10^16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाला माइटोकांड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था सी वेंडा ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है वैसोटॉमी तथा टिबियोटॉमी का क्या है? यह है संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसोटॉमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोटॉमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिला को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रकाश के उत्तीकरण के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। यदि हवा में ओटुक समानता मात्रा को साथ साथ सीओ भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ओटू के बजाय सीओ से अधिक तत्परता संयोग करता है। ठीक है, जीवाणु को किन कारणों से एक पादक माना गया है? तो यह है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वह था कार्ल वान फ्रिस्ट। नेक्स्ट है, किस विटामिन कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी कमी से। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो विलियम बेंटिंग वेस्ट ने की थी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये बिना मिट्टी पानी की खेती से है। कार्ड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रयुक्त सूत्र है? तो ये विटामिन ए तथा डी का है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो ये 40 सेंटीग्रेड पर। ठीक है, नेक्स्ट है, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। नेक्स्ट है, रमन वहाँ किसके लिए सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? संबंध भौतिक विज्ञान से किस विषय से है? तो यह है अल्फा किरणों के। नेक्स्ट, पटाखों में बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह स्टासियम के कारण होता है। जेट इंजन की कार प्रणाली किस भौतिक गति के संरक्षण पर आधारित है? तो यह सामयिक संरक्षण के आधार पर है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डब्ल्यू जोहानसन ने किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। और शांत वैली केरल में। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि कौन सा दोष कहलाती है? निकट दृष्टि। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो यह है स्टेपीडियस। नेक्स्ट, पौधे किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो यह है फूल। नेक्स्ट है, एक इंच में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो यह है 25.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट है,
एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है, लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटॉन सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो यह है हरा रंग में। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु को वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो यह है हिप्पोक्रेट्स को, चिकित्सा विज्ञान का जनक। नेक्स्ट है आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो यह है ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट है मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें स्तनधारी जंतुओं का मैगोलॉजी। नेक्स्ट है ओजोन गैस किस गैस की तरह गंध आती है? ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह, ठीक है। ओजोन गैस में बोरेक्स रासायनिक दृश्य से सोडियम टेट्राबोरेट, बोरेक्स का रासायनिक दृश्य क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये मैगेट। नेक्स्ट है बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो प्राप जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है औषधि पौधों का। नेक्स्ट है कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो यह मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट है गैलिनियम दूरदर्शी के अभिध्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर था, नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी कितना? 58 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह है नाभिकीय शलयन। दोस्तों मैंने आज लगभग 180-170 के आसपास क्वेश्चन कवर किया। अगर आपको थोड़ा भी इससे नॉलेज कुछ प्राप्त हुआ तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे निवेदन है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।